सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये वीडियो होने जा रहा है रिगार्डिंग कि मैं SSC के लिए अप्लाई कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर कर रही हूँ तो मैं कहाँ से प्रिपेयर करने वाली हूँ, और लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। एंड इफ़ यू आर लाइक बिगिनर, तो आपको SSC वर्सेज बैंकिंग इन दोनों में से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो आई गिव यू थोड़े से फैक्ट्स एंड थोड़े से पॉइंट्स, और मतलब रेस्ट इज़ योर चॉइस, राइट। मैं बस आपको एक परस्पेक्टिव देने की कोशिश करूँगी और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ये कि SSC का सिलेबस होल टुगेदर इज़ वेरी डिफरेंट सिलेबस फ्रॉम बैंकिंग, क्योंकि SSC में GS आ जाता है, जर्नल स्टडीज़ आ जाता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, जियोग्राफी, ये सारा जो है वो GS में हम इंक्लूड करते हैं, एंड GA ऑल्सो लाइक जर्नल अवेयरनेस। और बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बैंकिंग में आपको GS नहीं पढ़ना होता है, हालांकि यू हैव टू डू GA प्लस बैंकिंग अवेयरनेस आपको करना होता है, वो भी मेंस के लिए। और बाकी SSC का क्वांट्स इज़ लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग का क्वांट, क्योंकि SSC के क्वांट्स में एडवांस मैथ्स आ जाता है। अब देखो, बात यह है कि इफ़ यू आर फ्रॉम जर्नल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी, तो इन तीनों की कट ऑफ पिछले कुछ गत वर्षों की आप देखोगे तो इसकी कट ऑफ काफ़ी 150 को टच करती है फॉर Tier 1। और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि 150 गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, विच इज़ लाइक रियली हाई। और इस कट ऑफ को अचीव कर पाना विदाउट डूइंग GS थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बींग फ्रॉम लाइक जनरल कैटेगरी या फिर OBC या फिर EWS आप GS को पूरा इग्नोर कर दें, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं होता है, बट स्टिल आपको वो 150 का मार्क भी अचीव करना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लीज़ बाइफ्रिकेट कर देना कि आपको करना क्या है, मतलब इफ़ यू लाइक यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग और फॉर SSC। बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, मुझे आपको कहना है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्ज़ाम्स या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स कोई भी, तो फिर टेस्ट बुक पे बहुत अच्छी सेल चल रही है और आपको टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा फिर 351 रुपीज़ का। और इफ़ यू अप्लाई माई कोड WTB10 तो आपको उस पर भी 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो इट्स अ रियली गुड डील, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट बुक पे आपको SSC के भी और बैंकिंग के भी 10,000+ टेस्ट मिल जाएंगे फॉर लाइक इंडिविजुअल सेक्शन। तो इट्स अ रियली ग्रेट डील। और सेकेंडली ये कि टेक्स्ट बुक का पास मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी बिगनर्स के पास होता है, नॉट इवन बिगनर्स, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या फिर SSC एस्पिरेंट्स हैं सबके पास होता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव वन देन यू शुड, इट्स अ राइट टाइम कि आप इसे परचेज कर दो, क्योंकि द सेल इज़ गोइंग लाइव ऑन टेक्स्ट बुक। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। मूविंग अहेड विद द वीडियो, जो सवाल था कि इफ़ आई एम गोना लाइक प्रिपेयर फॉर SSC और नॉट, बट फिलहाल के लिए माय आंसर इज़ नो। अपार्ट फ्रॉम लाइक कि 17,000 वैकेंसीज आई हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है ना कि प्रॉपर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग ओनली, और आपको पता है आपका प्रीलिम्स हो जाता है, आपका मेंस थोड़ा बहुत रह जाता है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट ओनली। क्योंकि देखो, SSC का जो है Tier 1 वो सेप्टेम्बर एंडिंग और अक्टूबर की स्टार्टिंग में होगा, एंड सेकेंडली के उसका फिर मेंस आगे आपका नवंबर में होगा, मतलब कि Tier 2 आपका नवंबर के आसपास होगा या फिर दिसंबर मैक्सिमम, लेकिन उस वक्त तक जो है मेन एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, जैसे कि अभी RRB के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर हार्डली थोड़ा सा, मतलब ऐसा हार्डली वक्त मिलेगा कि आप SSC के लिए प्रिपेयर करो। बाकी यू नेवर नो, राइट, कि अभी रिजल्ट्स भी आने हैं, तो फिर विल सी की रिजल्ट्स देखते हैं, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। बट फिलहाल के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू स्टिक टू द बैंकिंग ओनली। मेरी तरफ से कोई ऐसा था है नहीं फिलहाल के, लेकिन मुझे SSC में जाना है। इट्स जस्ट आपको देखने में लग रही है वो 17,000 वैकेंसी है, बट ट्रस्ट मी 2022 में वैकेंसीज वर 37,000, राइट। और उसमें भी ऐसा था कि 37,000 वैकेंसीज आई थी, और उस टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, लगभग 37 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया था और इतने एप्लीकेंट्स थे, और मान लो कि, और उसमें से भी 20 लाख अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए,
आई स्टिल रिमेम्बर। और उसमें फिर ऐसा हुआ था कि देखो उसका ऐसा सीन हुआ था कि टियर 1 हुआ था, तो फिर उसमें ना 10 टाइम्स लिए थे, जैसे 36,000 वैकेंसीज हैं तो उसके 10 टाइम्स लिए थे, या 3,60,000 करीब बच्चे टियर 2 में गए थे। और टियर 2 का रिजल्ट आते आते मई हो गया था, बहुत सारे बच्चे अब इसमें चले गए थे ना, तो फिर उसका आते आते काफ़ी वक्त हो गया था, मई के वक्त पे शायद रिजल्ट आया था। और फिर जुलाई में एग्जाम लाइंड अप था फिर से टियर 1 फिर SSC CGL, तो बहुत सारा क्राउड जो है जो प्रिपेयर कर रहा था उन्होंने फिर से वो एग्ज़ाम दिया। और 2023 में फिर यही सीन था कि वैकेंसीज थी 7,600 के करीब, और फिर वो बहुत सारा प्रिपेयर्ड क्राउड वहाँ पर पहुँच गया था, और इस वजह से भी जो है वो टियर 1 की कट ऑफ, मतलब उससे पहले 2022 में टियर 1 की कट ऑफ देखना तुम कि 112 या 114 के करीब गई होगी, लेकिन 2023 में इट वॉज अराउंड 150। आई क्लियरली रिमेम्बर इट वॉज 150। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा जंप था। तो अभी वो वाला क्राउड फिर से ये वाला एग्ज़ाम देने वाला है, तो देख लो कैलकुलेटिव रिस्क अपने ले लेना। हाँ जो बिगनर है दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरी तरफ से यही हिदायत रहेगी कि आप SSC के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज ऐसा होता है कि बैंकिंग में लोग आ जाते हैं लेकिन आप देखोगे कि बैंकिंग में फिर वही लोग ऐसे परस्यू कर पाते हैं जो, या फिर वेरी लाइक दे आर लाइक वेरी मनी माइंडेड, उनको प्रमोशन से लेना देना है, या फिर वही लोग सस्टेन कर पाते हैं जो कि, मतलब जिनको फिर वो बैलेंस बनाना आता है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बैंकिंग में PO का कोई वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इवन फॉर क्लर्क्स। आई डोंट नो इफ लाइक कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। तो यू शुड गो फॉर SSC ओनली। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है कि अभी 2 महीने में आप सारा कुछ कवर कर दो, इफ़ यू आर लाइक बिगिनर, कि आप सभी कुछ कवर कर दो, फ्रॉम एक्वांस टू एडवांस मैथ्स टू GS टू इंग्लिश टू रीजनिंग, ये थोड़ा कवर करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, राइट। और अगर आप उनमें से हो जिसने पहले भी FCAT वगैरह एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है, UPSC किया है, या फिर स्टेट PCS कर रखा है, तो फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। इजी तो नहीं बट फैमिलियर काफ़ी होगा, ठीक है, तो आप ज़रूर इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू।